हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर को यहां पर कवर करने वाले हैं। उनके रिलेटेड कुछ कंपनियों की यहां पर न्यूज़ आ रही है, तो देखने वाले हैं किस प्रकार से न्यूज़ और किस प्रकार से टारगेट आ रहे हैं और आज का परफॉर्मेंस आईटी इंडस्ट्री का किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में मार्केट का अपडेट भी देख लेते हैं। तो मार्केट अभी ओपन है और मार्केट हमारा 18,000 के जो लेवल को एक बार फिर से क्रॉस कर चुका था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ी सी आते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, जिस प्रकार से मार्केट दोस्तों रिकवर किया, ये बहुत अच्छा देखने को मिला। और मार्केट अभी 17,975 पे क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट जो है वो ओपन हुआ था 17,771 रुपये पर और प्रीवियस क्लोज था 17,070 का, मतलब 300 पॉइंट नीचे हमारा मार्केट ओपन हुआ था। सेम प्राइस का लो लगाया और हाई लगाया 17,091 रुपये का ये यहाँ पर आके। तो हमारे लिए ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों कि हमारा मार्केट आज इतनी नेगेटिव पॉइंट के बीच में भी क्या किया है दोस्तों, रिकवर कर चुका है। सभी को पता है दोस्तों मार्केट क्यों गिरा है, क्योंकि US का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है अनुमान से। अनुमान था दोस्तों 8.1 का, ठीक है, और आ गया है दोस्तों 8.3%। हाँ, प्रीवियस मंथ से, मतलब जुलाई में दोस्तों 8.5 था, तो अगस्त में 8.3 आया है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। लेकिन अनुमान दोस्तों और कुछ लगाया गया था, लेकिन आया और कुछ, जिसके कारण दोस्तों इतनी बढ़िया हमें प्रॉफिट बुकिंग जो हमारे डाउ जोन है आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउ जोन जो कि 4% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, ठीक है। नेस्डेक जिसमें लगभग 5.5% की गिरावट, ये नेस्डेक ये है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा IT कंपनियाँ लिस्ट है और US की IT कंपनियाँ जो US में काम करती है वो, और पूरे ग्लोबली मार्केट की IT कंपनियाँ इसमें लिस्ट होते हुए देखने को हमें मिलती है। तो प्रेशर दोस्तों सबसे ज़्यादा IT इंडस्ट्री के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और ऐसे ही कुछ दोस्तों IT इंडस्ट्री के ऊपर न्यूज़ भी आते देखने को मिल रहा है। तो क्या है न्यूज़ वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ से पहले हम IT इंडस्ट्री का आज का परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा है। अब आप देख सकते हैं 1,000 पॉइंट की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है, लगभग 3.5% IT इंडेक्स आज गिरा हुआ है। मतलब IT में जितनी भी मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, अब जितनी भी कंपनियां हैं सब में दोस्तों भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो टॉप IT कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट है, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा निफ्टी है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहा है। आप अगर टॉप गेनर की लिस्ट देखेंगे आपको देखने को मिल रहा है, टॉप लूजर में दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी IT कंपनी है, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक और LTI, जो टॉप की 5 कंपनी है, मतलब मार्केट की आज की टॉप लूजर देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा इनमें गिरावट है आप देख सकते हैं, वॉल्यूम के साथ भी आप देख के यहाँ चल सकते हैं। तो ये काफ़ी परेशानी भरा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों मार्केट जब रिकवर कर रहा था तब दोस्तों हमारा IT इंडस्ट्री लीडिंग पोजीशन पे था, क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आते देखने को मिल रहे थे US मार्केट से। लेकिन एक बार फिर से US मार्केट से काफ़ी नेगेटिव पॉइंट सामने आते देखने को मिल रहे हैं IT इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसके कारण जितनी भी IT कंपनियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और ऐसे ही कुछ दोस्तों अपडेट भी आया है। दोस्तों अपडेट की अगर हम बात करें तो द इकोनॉमिक टाइम की साइट के ऊपर हमने आप लोगों को लाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट स्टॉक जो अभी के माहौल में गर्म है, जो हमारा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है, वो यहाँ पर दोस्तों इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो और इंडसलैंड बैंक, मतलब इंडसलैंड बैंक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी टॉप IT कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, वो अपना अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। यह आज ही का अपडेट है, टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, जिसने डाउनग्रेड किया है दोस्तों इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, ठीक है, और अपग्रेडिंग किया है विप्रो को। और वहीं पर अगर हम देखिए जो क्लासा है वो तो इंडसलैंड बैंक को, तो आप इंडसलैंड बैंक को छोड़ दीजिए। मतलब दोस्तों जो टॉप कैटेगरी की कंपनी है उनमें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया जा रहा है, खास करके इन्फोसिस और TCS को। ये जो लीडिंग पोजीशन है इन दोनों कंपनियों के, जैसे TCS और विप्रो, TCS पहले नंबर पर, विप्रो दूसरे नंबर पर, तो इनको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिराया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इनको गिराया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कोई एंट्री ले सके, जिसके बाद एक अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ सके मार्केट में। अब देखते हैं दोस्तों आगे कैसा अपडेट रहेगा। पहले अभी यहां पर जो डाउनग्रेड आया है तो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस, इन्फोसिस में आप देख सकते हैं 1244 रुपए का ये टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। इनका बोलना है कि दोस्तों जो कंपनी के अंदर एट्रिक्शन रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आ सकती है। तो Q2 के नंबर के ऊपर दोस्तों सभी का क्या रहेगा, नजर रहेगा। अगर Q2 का नंबर IT कंपनियों ने अच्छा नहीं प्रोवाइड किया तो जितने भी दोस्तों ये डाउनग्रेड है, ठीक है, जितने भी टारगेट या
हमें सही होते देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी, तो दूसरी कंपनी है TCS। TCS को भी डाउनग्रेड किया है और TCS का जो हमें टारगेट देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं 2611 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2026 तक जो कंपनी का EPS का फोरकास्ट है वो 5% तक ही हमें देखने को मिलेगा। मतलब EPS भी हमें प्रेशर में देखने को मिलेगा। अगर EPS प्रेशर में देखने को मिला, EPS में अगर गिरावट होती है दोस्तों, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसे हम PE रेशो बोलते हैं, ठीक है, वो अगर बढ़ जाएगा, अगर वो बढ़ गया तो दोस्तों कंपनी के शेयर में क्या हो सकती है दोस्तों, गिरावट आ सकती है। और ये जो टारगेट है ये सही हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट सेक्स का, ठीक है। चले गवर्नमेंट सेक्स से दोस्तों टेक महिंद्रा को भी डाउनग्रेड कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं दोस्तों कितना, 868 रुपये का। इनका भी बोलने का यही है कि जो EPS है इस कंपनी का 4% का रह सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 तक। उसके साथ ही देखते हैं विप्रो के ऊपर अपग्रेडिंग आया है। विप्रो दोस्तों 381 रुपये का टारगेट ले रहा है, ठीक है। इसका जो एस्टीमेट लगाया गया है EPS, ठीक है, वो करीबन 1-3% तक रह सकता है। मतलब इसका जो EPS है वो बढ़ के आ सकता है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों गवर्नमेंट टैक्स के द्वारा, क्योंकि ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ी कंपनी, बड़ा फर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के ऊपर क्या करता है दोस्तों, अपना रेटिंग, अपना टारगेट प्रोवाइड करता है। कभी कभी इनका टारगेट दोस्तों सही भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए इन्होंने तो आप लोगों को बोल दिया है, बता दिया है, अपडेट दे दिया है, आपका क्या डिसीजन है आप उसको फॉलो करिए। सबसे पहली बात यह है, मेरा काम है आप लोगों को अपडेट करना। मार्केट में नेगेटिव पॉइंट आएगी तो भी अपडेट करूंगा, पॉजिटिव आएगी तो भी अपडेट करूंगा। मार्केट में कुछ भी नहीं आएगा तो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आया है IT सेक्टर से रिलेटेड, जिसके लिए मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट अपडेट किया। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, खास करके छोटे इन्वेस्टर जो ऐसी न्यूज़ को देख के डर जाते हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपका जो डिसीजन है आप उसको पूरा क्लियर रखें और उस पे ही दोस्तों क्या रहे, उस पे एकदम अड़े रहें, तभी दोस्तों आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे। अगर हम इन कंपनियों का परफॉर्मेंस देखें, जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो का आज क्या देखने को हमें मिल रहा है, तो दोस्तों इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो 4.5% की गिरावट के साथ इन्फोसिस का जो शेयर है वो 1475 रुपये पर क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। अगर हम देखते हैं कि इन्फोसिस का जो शेयर है वो 1544 रुपये का प्रीवियस क्लोज दिखा रहा था, 1497 पर ओपन हुआ, मात्र 1 पॉइंट का हाई लगाया और 1472 रुपये का लो यहाँ पर लगाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की फंडामेंटल, टेक्निकल सब चीज़ हमें अच्छी देखने को मिलती है। TCS की अगर मैं बात करता हूँ तो TCS दोस्तों IT इंडस्ट्री का लीडर हो जाता है और लीडर में दोस्तों आज करीबन 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और 3125 रुपये के आसपास अभी ट्रेडिंग कर रहा है। इसका भी अगर आज का परफॉर्मेंस देखें तो 3229 रुपये का प्रीवियस क्लोज था, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग लेता है 3145 का, हाई लगाता है 3141 का और लो लगाता है 3113 रुपये का। अब आपको तो पता ही कि दोस्तों कितना बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा है कंपनी और किस प्रकार से कंपनी का फंडामेंटल कंडीशन है, टेक्निकल क्या है, फिर भी दोस्तों अभी क्या चल रहा है, कुछ समय के लिए इनमें परेशानी आ रहा है। पूरा IT इंडस्ट्री या पूरा ग्लोबली IT कंपनी की हम बात करें, उनमें प्रेशर आ रहा है। अभी क्या हुआ था दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले, करीबन 4-5-6 साल पहले की बात है, ऑटो इंडस्ट्री भी टॉप लेवल पर काम कर रहा था। ऑटो इंडस्ट्री में भी दोस्तों क्या हुआ, कुछ परेशानी हुआ, कुछ स्लो डाउन आया, जिसके कारण बहुत सारी ऑटो कंपनियां दोस्तों क्या हो गई, बर्बाद हो गई। कुछ अच्छी थी तो वो चल पड़ी, चलने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी पेंडेमिक में दोस्तों चिप शॉर्टेज आया था, चिप का शॉर्टेज आ रहा था, ठीक है, जो चिप आता है उसका शॉर्टेज आ रहा था, वो काफ़ी महंगे दाम पर मिल रहा था। तो जितने भी दोस्तों ऑटो कंपनियां उसको परचेस कर रही थी, काफ़ी महंगे दाम में परचेस कर रही थी, तो उनका भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो प्रेशर में जा रहा था, नीचे जा रहा था। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट दोस्तों सब खर्चे में बदल रहा था, क्योंकि वो चिप काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या हो रहा था, महंगा आ रहा था। तो उस समय ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था, लेकिन आज ऑटो इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ही अभी IT इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रेशर आते देखने को मिल रहा है दोस्तों, एट्रिक्शन रेट से रिलेटेड, ठीक है, डॉलर में जो रेवेन्यू आ रहा है उससे रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसे नेगेटिव पॉइंट सामने हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण IT इंडस्ट्री पूरा भी गिर रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़े दिन बाद ये भी कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर हम आज का विप्रो का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विप्रो का परफॉर्मेंस, विप्रो में दोस्तों करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली और 417 रुपये पर स्टॉक
क्लोज हो गया। अगर आप देखें तो विप्रो ने दोस्तों जैसे तैसे करके रिकवर कर लिया और अपने जो प्रीवियस क्लोज था वहाँ पर चले गया। प्रीवियस क्लोज था 422.65 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 409 रुपये, हाई लगाता है 422.70 रुपये, और सेम प्राइस का हमें हाई लो भी देखने को मिलता है स्टॉक का। और विप्रो की तो आपको हिस्ट्री पता ही है दोस्तों कि उसने 10,000 को कितने करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये थी टॉप आईटी कंपनीज जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आप लोगों को यही बोलेंगे दोस्तों कि आपका जो डिसीजन है दोस्तों उसको क्लियर करें। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट कितना गिरे आपका पोर्टफोलियो कितना गिरे, मार्केट रिकवर करेगा जब आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाएगा। ठीक है, बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मेरे से बाय सेल की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों तक लाता हूँ। मार्केट की पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव जो भी न्यूज़ रहती है वो मैं आप लोगों तक लेकर जरूर आता हूँ। तो आपको करना क्या है, बस आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसे बेहतरीन अपडेट आप लोगों को हमारी तरफ से मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।